हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पुलिस वाला क्लासेस। माय नेम इज अंशिका, योर मैथ्स मेंटोर। सो आज हम पढ़ेंगे एक खूबसूरत सब्जेक्ट जो कि है मैथमेटिक्स। अब ना कुछ स्टूडेंट के माइंड में आ रहा होगा, मैं मैथमेटिक्स मतलब कि एक हार्ड सा, एक अनइंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जिसमें थ्योरीज, न्यूमेरिकल्स, इक्वेशंस, फॉर्मूलाज ये सब होते हैं। पर नहीं, रुक जाओ, पहले देखो, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं ये नहीं कहूंगी कि मैथमेटिक्स एक इजी सब्जेक्ट है या फिर मैथमेटिक्स एक हार्ड सब्जेक्ट है। नहीं, कोई भी सब्जेक्ट हार्ड या फिर इजी नहीं होता है। हार्ड और इजी से बनाया जाता है फ्रॉम कंटेंट। यस, कंटेंट के लिए। अब आप कहोगे कि मैम ठीक है, इजी तो बन गया पढ़कर, लेकिन ये हार्ड कैसे बनता है? हाँ, फॉर एग्जाम्पल मैं आई और मैंने आपको 20 क्वेश्चंस करवाए। 10 क्वेश्चंस मैंने खुद करे और 10 क्वेश्चंस आपने किए। तो 10 क्वेश्चंस करने मैंने करवाए, उसके बाद आपने किए, तब खुश हो गए होंगे कि मैम हमसे तो 20 क्वेश्चंस हो गए, मतलब एग्जाम में अब तो हम पास हो जाएंगे, हमारा सिलेक्शन पक्का है, हम एग्जाम क्रैक कर देंगे, हमने 20 क्वेश्चंस कर लिए। बट नहीं, क्या आप एक बात बताओ मेरे को, जो 20 क्वेश्चंस आपने यहाँ किए हैं, ये बात मतलब ये नेसेसरी है कि वो एग्जाम में वही क्वेश्चंस आएंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चंस आप यहाँ सोल्व करोगे आपको सेम एग्जाम में वही वही क्वेश्चन मिलेगा। क्या मिलेगा फिर एग्जाम में? जो 20 क्वेश्चंस जो हमने किए हैं ना, अगर हम उसका कंटेंट मतलब उसका बेसिक पार्ट मतलब उसकी थ्योरी हो गई, उसके फॉर्मूलाज हो गए, अगर हम आपको ये करवाएं, आप कंटेंट पढ़ो, मतलब आप उसके बेसिक पार्ट को तैयार करोगे ना, तो एग्जाम में आने वाले हर एक क्वेश्चन को आप इजिली मतलब इजिली सोल्व कर सकते हो। लेकिन अगर आप 20 क्वेश्चन करोगे ना, तो मतलब सिंपल सी चीजें हो जाएगी, आप रट कर गए हो। हाँ, क्योंकि 20 क्वेश्चन तो यहाँ हो जाएंगे, बट एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपसे सोल्व नहीं होगा। सो हम यहाँ पे बेसिकली आपको थ्योरी करवाएंगे, उसका बेसिक पार्ट प्रोवाइड करवाएंगे, और ये सब चीजें हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पुलिस वाला की टीम आपको प्रोवाइड करवाएगी। बस शर्त यही है कि आपको शुरू से लेकर लास्ट तक हमारे साथ बने रहना है, और हम आपको विश्वास दिलाते हैं, हाँ, पुलिस वाला की कंप्लीट टीम और मैं खुद आपको मतलब ये विश्वास दिलाती हूँ कि आपका एग्जाम है वो क्रैक होगा। श्योरली अगर आप हमारे टीम के द्वारा मतलब सब सब्जेक्टों को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका एग्जाम क्लियर होगा। बस शर्त छोटी सी है। वो शर्त क्या है कि हम जो आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे वो आप ऑनेस्टली वो कंटेंट है वो करोगे, हम जो आपको डीपीपी देंगे वो आप करोगे, हम जो आपको कहेंगे कि नोट्स बनाने हैं वो आप करोगे, हम जो क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको देंगे आप उनको बिल्कुल ऑनेस्टली उन क्वेश्चंस को करेंगे, डीपीपी करोगे, और जो हम आपको थ्योरी देंगे उनको आप इजीली करोगे। सो ये तो हो गई सिंपल सी बात कि हम आपको क्वेश्चंस नहीं करवाएंगे जो मतलब रेगुलर बेसिस हम देखते नहीं। वो खुद सोचो, फॉर एग्जाम्पल आप 8th 9th 10th क्लास में थे तो आपने बुक उठाई, आप सीधे मतलब क्वेश्चन सोल्व करते थे? नहीं ना, और ऐसे होंगे भी नहीं। क्वेश्चन सोल्व होंगे कब आपसे? जब आप उसका बेसिक पार्ट रेडी करोगे, जब उसके बारे में आपको नॉलेज होगी। और क्वेश्चंस को आप कब कर सकते हो? जब उनको रटोगे। तो फिर ये तो एक कोई मतलब नहीं हुआ ना कि हम रट के किसी एग्जाम को, और एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता है रट के, उसको आप उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट को याद करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। और मैं आपको एक बात बता देती हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप सोच रहे हो मैम ये क्या बकवास करी, बट नहीं, ये ना कुछ चीजें होती है कुछ भी कोई सब्जेक्ट शुरू करने से पहले, कोई टॉपिक शुरू करने से पहले, मैंने खुद एग्जाम क्लियर किए हुए हैं। सो मेरे से जो गलती हुई थी, मैं चाहती हूँ आपसे वो गलती ना हो। वो गलती क्या थी कि मैंने स्टार्टिंग में अलग अलग रिसोर्सेज से पढ़ना शुरू कर दिया कि मैं मैथ यहाँ से पढ़ रही हूँ, यहाँ से पढ़ रही हूँ, वहां से पढ़ रही हूँ, मैंने साइंस लिया, मैंने वहां से पढ़ा, वहां से, मतलब अलग अलग मल्टीपल सोर्सेज से पढ़ रही हूँ, लेकिन इससे कुछ बेनिफिट नहीं हुआ। मैं सोच रही थी कि मैं अलग अलग सोर्सेज से पढ़ूंगी तो मेरे को नॉलेज मिलेगी, बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। गलती सिर्फ यही है मेरी कि मैंने अलग अलग सोर्सेज से पढ़ना शुरू किया और मेरा माइंड है वो डाइवर्ट हो गया। बट नहीं, आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करोगे। आप एक सोर्स से पढ़ोगे जो आपको पूरा कंटेंट प्रोवाइड करवाएगा, जो आपको पूरे के पूरे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाएगा, जो दोनों चीजें एक साथ करवाएगा, आप वहीं से पढ़िए। और हम आपको, हमारी टीम आपको पूरा विश्वास दिलाती है कि हम आपको शुरू से लेके एग्जाम के हर उस लेवल के क्वेश्चंस को करवाएंगे जो एग्जाम में आते हैं, और आप हर एक क्वेश्चन को है वो सोल्व करेंगे। बस शर्त मैंने आपसे बताई ना पहले कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब ये बात होगी, अब हम बात करते हैं ये मार्किंग स्कीम की। अब जाहिर सी बात है, कॉमन मतलब नॉर्मल सी बात है, कोई भी स्टूडेंट अगर तैयारी कर रहा होगा उसको इन चीजों के बारे में पता ही होगा। फिर आप सोचोगे मैम अगर हमें पता है तो फिर ये सब चीजें हैं क्या? मैं आपको बताती हूँ कि मान लो फॉर एग्जाम्पल कुछ, मैं नहीं कह रही सब, 5 to 6% स्टूडेंट्स के माइंड में आता है कि मैम हम मैथ्स को कर दे, क्या मैथ्स को हम बिना पढ़े हमारा सिलेक्शन हो जाएगा? तो इसका क्लियरली आंसर है ना, वो है नो। क्योंकि स्टूडेंट्स विदाउट मैथ किए आप सिलेक्शन के बारे में सोच क्या, मतलब
मतलब सोच में नहीं सकते, मैं ये कह रहा हूँ मतलब नजरे तक नहीं डाल सकते उस सिलेक्शन पे, क्रैक करना तो मतलब रैंकिंग लाना तो बहुत दूर की बात होगी, आप उसको पास भी नहीं कर सकते विदाउट मैट, क्योंकि मैं नहीं बोल रही, ये देख सकते हो आप सीजीएल टायर वन के अंदर 25 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स मतलब 50 क्वेश्चन, टायर सेकंड 30 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स 90, सीएचएसएल सेम पैटर्न, सीपीओ 50 क्वेश्चन, एमकेएस 25 क्वेश्चन। अब आप खुद सोचिए कि जिस एग्जाम में 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, जिस एग्जाम में 90 क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर आप इनको नहीं करोगे तो कैसे आप एग्जाम को क्लियर करोगे? नहीं, कोई भी दूसरा तरीका नहीं है विदाउट इसको पढ़े, और हम इसको बिल्कुल भी एक बर्डन की तरह नहीं पढ़ेंगे। आपको पता है मैथ एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसमें नंबर्स होते हैं, उनको बचपन से पढ़ते आ रहे हो, 1 2 3, कहीं भी जाते हो हर जगह मैथ यूज होती है, शॉपकीपर के पास जाते हो कहीं भी, मतलब कोई बिजनेस करते हो खुद की, मतलब हर जगह है ना वो मैथ्स, क्योंकि कैलकुलेशन होता है कि 10 20 30, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 2000 रुपीज, हर जगह। तो ये तो एक ओवरव्यू हो गया, और है ना सबसे एक इंपॉर्टेंट बात को बता देना चाहती हूँ मैं कि नोट्स, हाँ स्टूडेंट्स, आपको एक प्रॉपर नोट्स है वो मतलब बनाने ही होंगे, आप इसको मेरी रिक्वेस्ट मानो या कुछ भी मानो, आपको है ना नोट्स बनाने पड़ेंगे। विदाउट नोट्स आप कहोगे कि मैम ठीक है हमने नोट्स नहीं बनाए, इससे फिर हमारा क्या नुकसान होगा, मैं आपको बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कोई भी थ्योरी लिखवाई, क्वेश्चन करवाया, अब जस्ट आपको वो क्वेश्चन याद होगा, थ्योरी याद होगी आफ्टर 2 डेज, आफ्टर 3 डेज, इवन आफ्टर 4 to 5 डेज आपको वो याद होगा, बट क्या आपका एग्जाम 5 दिन बाद है या 6 दिन बाद है? नहीं, आपका एग्जाम 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, और अगर कोई स्टूडेंट नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन कर रहा है तो 1 ईयर, उसके मतलब 1 ईयर के बाद है, तो क्या आपको 1 साल तक ये सब चीजें याद रह पाएंगी जो मैं आप क्वेश्चन आपको थ्योरी हम जो कंटेंट प्रोवाइड करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। सो आपको बेसिकली हर एक चीजों के प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, क्योंकि ये एक, अगर आपने नोट्स हर चीज के इजीली मतलब बना लेना आपने, तो समझ लो आपने 50% काम कर लिया है मैथ्स के अंदर, 50% लास्ट है प्रैक्टिस करनी, तो वो तो हम आपको साथ मिलकर करवाई देंगे, तो मतलब आपका 100% है वो काम पूरा हो गया। तो आई होप आपने ये सब कुछ नोट डाउन कर लिया होगा, आपकी जो नोट्स बना रहे हो उसके फ्रंट पेज पे आपको ये सब चीजें नोट डाउन कर ली है, आप वीडियो को पॉज करके जल्दी से चीज नोट डाउन कर लीजिए। अब ना इसके नेक्स्ट स्लाइड में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि विदाउट मतलब उसको देखे सोच भी नहीं सकते हम एग्जाम के बारे में कि एग्जाम में क्या आएगा। तो आई होप आपने अंदाजा लगा लिया होगा, वो है हमारे मैथ्स का सिलेबस। आप कहोगे कि मैम ये तो हमें गूगल से मतलब इंटरनेट से कहीं से मिल सकता है, हाँ, बट आपको ये बात तो नहीं मिलेगी ना कि किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, और ये लिखने का पता है ये सब लिखने का यहाँ पे सिर्फ इकलौता एक रीजन है कि फॉर एग्जाम्पल चैप्टर है टाइम एंड डिस्टेंस, जिससे इकलौता एक क्वेश्चन आते हैं, और अगर किस्मत ज्यादा खराब भी 2 क्वेश्चन आए, 1 क्वेश्चन मान के चलो आप, इसको हमने टाइम दिया 15 से 20 दिन, 15 to 20 days, एंड सेकेंड चैप्टर मान लिया नंबर सिस्टम, जिससे बेसिकली क्वेश्चन तो 2 आ रहे हैं बट विदाउट नंबर सिस्टम, ये चैप्टर्स को अज्यूम करना भी ना इम्पॉसिबल है, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री हो गया, एल्जेब्रा हो गया, डाटा इंटरप्रिटेशन हो गया, हर चैप्टर में नंबर आता है। भाई आप कोई भी चैप्टर पढ़ो नंबर तो हर जगह आएंगे, हर जगह, तो नंबर सिस्टम एक इंपॉर्टेंट है। आपने ले लिया ज्योमेट्री जो कि इंपॉर्टेंट है, ट्रिग्नोमेट्री इंपॉर्टेंट है, एल्जेब्रा ले लिया वो इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन 3 से 4 आ जाते हैं हर चैप्टर में, और इन चैप्टर्स को हमने दे दिए 1 से 2 दिन, तो फायदा क्या? जिस चैप्टर से क्वेश्चन 1 आ रहा है 15 से 20 दिन का, जिस चैप्टर से क्वेश्चन इतने आ रहे हैं उसको हमने दे दिया 1 से 2 दिन। सो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि स्टडी करो बट स्मार्ट स्टडी, ये एक इंपॉर्टेंट रोल है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, स्मार्ट स्टडी हमें करनी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि विदाउट स्मार्ट स्टडी तो हम बेवकूफी की तरह मतलब बेवकूफों की तरह लगे रहेंगे, बट नहीं, स्मार्ट स्टडी करना बहुत जरूरी है कि किस चैप्टर को उसके वेटेज के अकॉर्डिंग, जितने क्वेश्चंस आते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें टाइम देना, मतलब एक टाइम मैनेजमेंट वाली बात है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सोच रहे होगे कि मैम ये सब क्या ही बोल रहे, हाँ स्टूडेंट, मतलब एक बेसिक पार्ट था जो मेरे अकॉर्डिंग किसी भी टॉपिक को, किसी भी सब्जेक्ट को शुरू करने से पहले मतलब एक कॉमन सी चीज है, और आई होप आई नो कि आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए और पता होंगी भी, क्योंकि बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं कि हाँ इंडेक्स, किसी भी चैप्टर के शुरू में इंडेक्स होते हैं, फिर चैप्टर का ओवरव्यू होता है, फिर लास्ट में समरी होती है। तो आप भी अपने नोट्स वैसे बनाए, कोई भी आपने चैप्टर शुरू किया उसका नेम डाला आपने, फिर आपने थ्योरी लिखी, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया वो कॉन्सेप्ट लिखा, फिर आपने क्वेश्चन लिखे, ठीक है ये हो गया, फिर लास्ट में पता क्या है, पूरे चैप्टर होने के बाद आप यहाँ पे लिख लो समरी, जिसके अंदर आप इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज लिखो, क्या लिखोगे? इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, ये सब चीजें आप क्या लिखोगे इसके अंदर लिखोगे। सो आप प्रॉपर नोट्स है वो बनाइए, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ नोट्स जरूर बनाइए, अगर आप बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हो, और आपको खुद नहीं पता चलेगा कि हम कब बेसिक पार्ट से और कब उस लेवल तक पहुंच गए कि मतलब एग्जाम के क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे हैं। सो ये हो गई हम सबकी यहाँ तक की बात है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अब हम शुरू करते हैं
हमारे असली जंग मतलब कि चैप्टर्स। सो आज हम पढ़ेंगे एक खूबसूरत सा चैप्टर जो कि है नंबर सिस्टम, जो कि है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम एक ऐसा चैप्टर है जो कि हर चैप्टर के अंदर यूज होने वाला है, नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम पढ़ने से पहले हम जानेंगे डिजिट के बारे में। आप मेरे को एक बात बताओ कि आप कोई भी घर बना रहे हो, कोई भी बिल्डिंग बना रहे हो, सबसे पहले आप उसका बेस तैयार करोगे ना, तभी तो फिर वो बिल्डिंग बनेगी ना। तो नंबर कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले नंबर सिस्टम उसका बेस है, और नंबर सिस्टम को पढ़ने से पहले डिजिट है ना वो उसका बिल्कुल बेसिक पार्ट है। तो डिजिट होते क्या है मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में अगर बताऊं तो जो नंबर सिस्टम की जो छोटी सबसे छोटी इकाई है ना वो है डिजिट, और डिजिट को हिंदी में बोलते हैं अंक। अब ना मेरा आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप ये बता दो कि डिजिट्स होते कितने हैं, मतलब बिल्कुल ऑनेस्टली अपनी नोटबुक के अंदर लिखो कि मैम डिजिट्स हैं वो कितने होते हैं। और आई गेस मैं गेस कर पा रही हूँ कुछ स्टूडेंट्स कह रहे होंगे कि मैम डिजिट्स है ना वो 10 होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे होंगे मैम डिजिट्स है ना वो 100 होते हैं, कुछ कह रहे हैं मैम नहीं 1000 होते हैं, और कुछ लीजेंड्स होंगे जो कह रहे हैं मैम डिजिट्स है ना इनफाइनाइट होते हैं। सो आपके लिए क्वेश्चन है क्या डिजिट्स, मैं वहां लिख देती हूँ क्वेश्चन आपके लिए, क्या डिजिट इनफाइनाइट होते हैं, यस या फिर नो। बिल्कुल ऑनेस्ट वे में अपना आंसर बताओ, यस या फिर नो। मेरा आंसर देने से पहले वीडियो को पॉज करो और अपना आंसर जल्दी से लिखो, क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं आई मैं पढ़ाई मैंने पढ़ा दिया फिर सबका क्या बेनिफिट होगा, इससे तो मेरे ही बेनिफिट होगा, मेरे ही रिविजन चल रहा है सब चीजें। नहीं, आप भी आंसर्स लिखो, और आई होप कि आप आंसर्स लिखोगे, मेरी बात थोड़ी छोटी मोटी बात आप मेरी मानोगे। सो डिजिट्स है वो क्या डिजिट इनफाइनाइट होते हैं, सो इसका जो क्लियरली आंसर है ना वो है नो। और कहोगी मैम हम तो डिजिट्स इनफाइनाइट मान रखे थे। हाँ, मैंने भी शुरू के दिनों में मतलब जब मैं बचपन में छोटी जब मैं सोचती डिजिट्स इनफाइनाइट होते हैं, बट नहीं स्टूडेंट्स, नंबर इनफाइनाइट होते हैं, डिजिट्स होते हैं ओनली 10। शोक लगाना, हाँ मुझे भी लगा था, डिजिट्स होते हैं ओनली 10। सो कौन से डिजिट्स होते हैं ओनली 10 वो मैं आपको बता देती हूँ। डिजिट्स वो होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9। आप कहोगे मैम 10 नहीं, आप खुद बताओ 10 किससे बना है, 1 और 0, और 1 0 हम पहले यहाँ पे नोट डाउन है वो कर चुके हैं। सो डिजिट्स हैं वो होते हैं ओनली 10 डिजिट्स आर प्रेजेंट इन द होल यूनिवर्स, केवल 10 डिजिट्स हैं वो उपस्थित होते हैं पूरे के पूरे यूनिवर्स में, पूरे के पूरे ब्रह्मांड में, और इसके अलावा कोई भी डिजिट्स है वो प्रेजेंट नहीं होता। अगर आपको कोई कहे कि हाँ 15 एक डिजिट है तो उसको साफ बोल दे नहीं, 15 इज अ नंबर नॉट अ डिजिट। सो इतना आपको समझ में आएगा बिल्कुल बेसिक से कि डिजिट्स है वो नो होते हैं। एक क्वेश्चन अब आपके लिए, इज 752 इज अ डिजिट, मैं क्वेश्चन है नोट डाउन कर देती हूँ, क्वेश्चन इज 752 इज अ डिजिट, इज अ डिजिट, क्या 752 एक डिजिट है। सो मैं आंसर आप जल्दी सी ऑनेस्टली वे में आंसर अपनी नोटबुक में लिखो, फिर मैं आपको बताती हूँ क्या 752 एक अंक है, तो इसका आंसर होगा नो। तो डिजिट नहीं है तो फिर क्या है, इट्स अ नंबर, इट्स अ नंबर। 752 एक डिजिट नहीं है, 752 एक नंबर है। अब आप बताओ अपनी डेट ऑफ बर्थ, अब कुछ स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ होगी 5, कुछ की होगी 6, तो हाँ 0 तो किसी की नहीं होगी, आप 1, 1 to 9 जो है वो है डिजिट्स। अगर किसी भी स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ 1 to 9 आ रही है ना तो मतलब जाहिर सी बात है वो एक डिजिट में है। बट अगर किसी स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 to 30 के बाद तो होगा नहीं मंथ, अगर 30 तक आ रही है तो हाँ, किसी की 31 भी होती है तो हाँ वो क्या एक नंबर है। मेरी खुद की डेट ऑफ बर्थ एक नंबर है 24, तो वो एक नंबर है। सो ये सब चीजें होगी आपको डिजिट्स के बारे में कि 10 डिजिट्स होते हैं, ये बिल्कुल हमने बेसिक है वो पढ़ लिया है। अब इससे थोड़ी सी ऊपर बढ़ के हम बात करेंगे मैं आपसे, अब देखो 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9, 10, 11, 12,
13, आपको नंबर ऑफ डिजिट्स बताने हैं। नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे इन दोनों में सेपरेटली आपको बताना है। अब सिंपली आप इसका आंसर दे दो, क्योंकि मैम आपने बताया 0 to 9 10 डिजिट्स होते हैं, तो सिंपली इसका आंसर है 10। अब कुछ स्टूडेंट्स इसको सोच रहे होंगे कि मैम इसके अंदर डिजिट है 1 2 3 4, 4 डिजिट्स। मैं ना यहां लिख देता हूं 4 डिजिट्स, यस या फिर नो। बिल्कुल ऑनेस्ट वे में आप आंसर दो, क्या आपने ये सोचा था कि नहीं कि इसके अंदर 4 डिजिट है वो प्रेजेंट है, यस या फिर नो। बट नहीं, इसका जो आंसर है ना, इसका जो आंसर है वो होगा नो, इसके अंदर 4 डिजिट प्रेजेंट नहीं। आप कहोगे नहीं मैम आप तो पागल हो गए, देखो 1 2 3 4, 4 डिजिट तो है। बट नहीं, इसके अंदर 4 नंबर्स, अगर मैं पूछती ना कि टोटल नंबर बताओ तो वो 4 है, बट अगर डिजिट्स की बात करें तो बेसिकली इसमें 8 डिजिट्स है। मैं आपको बताती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर ऑफ डिजिट्स है इसमें, 8 डिजिट्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपसे बात करें कि 11 12 17 18 and 19 नंबर ऑफ डिजिट्स बताओ, तो 1 2 3 4 5 6। आप कहोगे मैम अब तो हमें बहुत इजीली समझ में आ गया, अब तुम कोई भी क्वेश्चंस को आराम से कर लेंगे। इसके अंदर ये है बट ना कुछ स्टूडेंट्स जो ज्यादा ही मतलब वो है ना, मतलब पढ़ाई करने वाले, मैं तो हूं नहीं वैसे, उन्होंने दिमाग लगा लिया कि मैम ये तो चलो आपने 4 नंबर दिए, 3 नंबर आपने इधर हमें दिए, ये तो आपने बता दिया। लेकिन अगर हम बात करें कि आप बताओ हमें कि 13 to 76 नंबर ऑफ डिजिट्स, मैंने आपको नेक्स्ट में बता देती हूँ सब चीजें। आई होप आप ये नोट डाउन कर लो, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट है कि 10 11 12, मतलब छोटी छोटी से लेकर हम अपर पार्ट तक जाएंगे। तो ये हो गया। अब ना आप एक, अब कुछ स्टूडेंट ने दिमाग लगा लिया, मैम ये तो ठीक है अगर क्वेश्चन में ये आ जाए कि हमको बताओ 10 to 76 नंबर ऑफ डिजिट्स, कि नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे। अब मैम ऐसा तो है नहीं कि हम 10 11 12 13 14 76 ऐसे लिख लेंगे, ये तो बेवकूफी हो जाएगी। हाँ जाहिर सी बात, एक बेवकूफी हो जाएगी कि हम एग्जाम में इसको सोल्व करने बैठे, अगर मतलब इम्पॉसिबल नहीं, इसको गिन सकते हैं आराम से बैठ के 1 2 3 4 5 6 7, बट क्या तो फिर एग्जाम में आप पूरे एग्जाम सोल्व कर लो, या फिर आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर लो, मतलब पूरे, या तो आप सिलेक्शन ले लो या फिर इस क्वेश्चन को करते रह जाओ, फिर आके कहो कि हाँ हमने तो वो क्वेश्चन सोल्व किया था। फिर दूसरा स्टूडेंट यही कहेगा हाँ भाई मैंने भी किया था, लेकिन कैसे, उसमें फॉर्मूले, उसमें मैथ्स में क्या है कि इतने लंबे कॉन्सेप्ट के लिए फॉर्मूले, टिप्स एंड ट्रिक, हर चीजें बनाई गई है। तो हमारी जो टीम है ना वो आपको ऐसा नहीं कि क्वेश्चन करवाए, कंटेंट भी, मतलब आपको बेसिक पार्ट भी देगी, आपको थ्योरीज भी देगी, फॉर्मूलाज भी देगी, और साथ ही साथ ये टिप्स एंड ट्रिक जो कि सिलेक्शन के लिए बूस्टअप होते हैं, मतलब 20% हेल्पफुल होते हैं, वो भी हम आपको करवाएंगे। तो है तो नहीं ऐसा कि आप 10 to 76 लिखने बैठोगे तो फिर क्या है, वो मैं आपको यही चीज मैं आपको आगे बताती हूँ। अब आई होप आपको ये सब चीजें पता होगा कि वंस डिजिट क्या होता है, या फिर टेंस डिजिट। अगर आपको नहीं पता है कुछ जो बिल्कुल बेसिक से कर रहे, तो मैं आपको बता देती हूँ फिर भी यहाँ पे नोट डलवा के कि वंस डिजिट क्या होते हैं और टेंस डिजिट्स क्या होते हैं। सो वन डिजिट होता है जिनके अंदर केवल एक डिजिट प्रेजेंट हो, टेंस डिजिट क्या होता है जिनके अंदर दो डिजिट प्रेजेंट हो, 100 डिजिट क्या होता है जिनके अंदर 3 डिजिट प्रेजेंट हो। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब ये सब क्या है, तो देखो 75 कितने डिजिट है, 106 कितने डिजिट है, 24 कितने डिजिट है, 9 कितना डिजिट है, 1 डिजिट। इसको बोलेंगे टेंस, मतलब टेंस प्लेस पे आए। इसको बोलेंगे सॉरी, इसको वंस, मैं भी क्या लिख रही हूँ, वंस। इसको बोलेंगे टेंस, ये क्या हो गया 100 डिजिट पे। तो आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आ गई होंगी। ये बिल्कुल बेसिक, मतलब देख रहे हो आप, बिल्कुल आपको जो थर्ड फोर्थ क्लास सिखाया था, हम वहां से स्टार्ट कर रहे हैं, आपको खुद भी पता चलेगा कि हम किस लेवल तक पहुंच गए, कि एग्जाम से क्वेश्चन ऐसे हो रहे हैं। और अगर मैं आपसे जो करवा रही हूँ ना सब चीजें, कि ये नंबर ऑफ डिजिट्स, आप सोच रहे हो कि ये मैम क्या करवा रही, तो आपको इसका अभी
रिसेंटली सीजियल 2021 के प्री के अंदर एक क्वेश्चन आया डिजिट्स को लेके, वो भी हम आपको डिस्कस करेंगे, मतलब प्रीवियस क्वेश्चन भी करवाएंगे और जो क्वेश्चन एग्जाम में एक्सपेक्टेड मतलब आने वाले वो भी करवाएंगे और प्रैक्टिस तो हम करवा ही रहे हैं आपको। सो देखो ये सब हो गया, अब मैं इसको बताती हूँ आपको कि कैसे आप नंबर ऑफ डिजिट्स हम काउंट कर सकते हो। सो ये देखो आपसे पूछा कि मैम 1 2 हमें बताओ आप, स्टार्टिंग में हम 19 ले लेते हैं नंबर ऑफ, ठीक है। अब ना पहले वंस डिजिट लिखो, फिर आप टेंथ डिजिट लिखो, फिर उसके बाद 100 डिजिट की नंबर की बारी आएगी। तो पहले वंस डिजिट मतलब इसके अंदर केवल 1 डिजिट प्रेजेंट हो, तो 1 डिजिट कितने होंगे, 1 2 सिंपली 9, ठीक है। नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे, 9, आपको पता है। अब ना मैं नंबर ऑफ डिजिट निकाला फॉर्मूला बताती हूँ आपको, देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है जो मैं अभी चीज लिख रही हूँ ना, ये मतलब पूरे नंबर सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये भाई। नो इस पर तो कितने ही स्टार लगाओ उतने ही कम है। नो अगर आपको वंस डिजिट का, वंस डिजिट के अंदर डिजिट फाइंड आउट करने है ना, तो क्या लिखोगे, नंबर मल्टीप्लाई बाय 1, ये नंबर है, नंबर मल्टीप्लाई बाय 1। अगर आपको टेंथ डिजिट के लिए नंबर ऑफ डिजिट फाइंड आउट करने हैं तो आप लिखोगे नंबर मल्टीप्लाई बाई 2, मतलब जितने भी नंबर हैं मल्टीप्लाई बाई 2। अगर आपको 100 डिजिट का नंबर के डिजिट फाइंड आउट करने हैं तो आप लिखोगे नंबर मल्टीप्लाई बाई 3। इससे आप नंबर ऑफ डिजिट इजीली निकाल सकते हैं। आवाज चेंज हो गई मेरी, इससे आप इजीली नंबर ऑफ डिजिट है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो 1 2 9 ये क्या है, वंस फॉर्मूला क्या है, एक मिनट इसको उठा देते हैं। फॉर्मूला क्या है, नंबर नंबर कितने हैं 1 2 9 के बीच में, आप खुद बताओ 1 2 9 के बीच में कितने नंबर है, 9, मल्टीप्लाई बाय सिंपली 1 से मल्टीप्लाई, नंबर ऑफ डिजिट कितने आ गए, 9। आई होप मतलब यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैंने इतने बेसिक से करवाया है कि 1 2 9 नंबर ऑफ डिजिट्स हो। अब हम बात करेंगे 9 तक हो गई बात, अब 9 के बाद क्या था, 10, 10 टू इसको ब्लू पेन से लिख देते हैं, सॉरी व्हाइट पेन से लिख देते हैं। अब हम बात करते हैं 10 टू और कहां तक पूछा है, 19 तक। अब ना ये क्या हो गया, 10th डिजिट हो गया, 10 का सिंपली फॉर्मूला क्या है, नंबर कितने नंबर से मल्टीप्लाई बाई 2। अब आप मेरे को बताओ कि इनके बीच में कितने नंबर है, इनके बीच में सिंपली नंबर है, कितने नंबर है बताओ आप मेरे को इनके बीच में। अब आप कहोगे मैम ठीक है इनको तो हम सिंपली काउंट करेंगे 10 11 12, बट अगर बात आए कि बड़े नंबर्स आ जाएं तो फिर कैसे करेंगे, तो हाउस का भी छोटा सा फॉर्मूला मान लो कुछ भी, सिंपली इसमें से माइनस कर दो, 19 में से गया 9 और प्लस 1 कर दो, प्लस 1 जो होगा इसमें हमने ये काउंट नहीं किया 10, तो इसमें नंबर आ जाएंगे 10 मल्टीप्लाई बाई हमने किया 2 तो हो जाएंगे 20। नंबर ऑफ डिजिट कितने हो गए, 20 प्लस 9 29, इसमें क्या आ गए डिजिट्स आ गए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, अगर फिर भी 1% समझ में नहीं आया ना किसी, मेरे को लगता नहीं है वैसे नहीं आएगा, आ ही जाएगा हर किसी को समझ में, बट फिर भी हम आगे बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, सो डोंट वरी। सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कि हमें 1 to 19 फाइंड आउट करना है। अब हम आगे फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए ना बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे पास। क्वेश्चन है कि फाइंड द डिजिट, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स किसके बीच में निकालना है, आप निकालो 1 to 26। ओके अब मैंने आपको बताया था कि पहले वंस डिजिट लिखेंगे हम, तो 1 डिजिट हो गए 1 2 9। अब तो आई होप आपको याद हो गए होंगे कि 1 to 9 के बीच में कितने डिजिट होते हैं, जाहिर सी बात है 9। अब आएगी 10 डिजिट की बारी, जो कि होती है 9 टू 10 और कहां तक पूछ रहा है 26 तक। इनके बीच में टोटल नंबर कितने हैं, सिंपली इसमें से माइनस कर दो, 16 प्लस 1 17 नंबर्स हैं, बट मैंने क्या 10 डिजिट के लिए आप मल्टीप्लाई बाई 2 से करोगे, तो 17 मल्टीप्लाई 2 34, सिंपली 9 प्लस 34 कितना हो जाएगा 43, इसके अंदर 43 डिजिट्स हैं वो प्रेजेंट है।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और जल्दी से इसको नोट डाउन पॉज करके वीडियो को नोट डाउन कर लीजिए। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है वो आपके लिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, और इसका आप कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर देना, और नेक्स्ट क्लास में मैं वो कमेंट सब पढ़ूंगी, और फिर जिसका आंसर सही होगा उसको, और जिसका नहीं भी होगा ना उसको भी हम बताएंगे। मतलब जो यहाँ पे क्वेश्चन मैं आज दूंगी वो नेक्स्ट क्लास में उनको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आपको ना वो करना है, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट। फाइंड द नंबर किसके बीच में निकालना है आपको, 1 to 76। आप सोचोगे मैम अब तो बहुत शातिर निकले खुद, 76 76 हमें, बट नहीं, इससे भी आगे बढ़ के हम मतलब अपर लेवल करेंगे। तो सिंपली आपको इसके बीच में नंबर ऑफ डिजिट्स है फाइंड आउट करना है, और कमेंट सेक्शन में याद से इसका आंसर देना है। ठीक है, अब ये हो गया बिल्कुल बेसिक सा पार्ट। अब हम थोड़ा सा लेवल को इंक्रीज करेंगे कि हम नंबर्स की को मतलब नंबर्स को बनाएंगे। सो बार बार मैं ये नहीं लिखने वाली कि डिजिट्स फाइंड आउट करो, सिंपली मैं लिख देती हूँ इससे लेके इतने। अब वन से लेके तो काफी हो गया, फिर सिक्स से लेंगे कि मैम 6 to 99 है ना वो फाइंड आउट करो, ये कर देते हैं। तो चलो 6 to 99, सबसे पहले हमारा काम वंस डिजिट लिखे, 6 to 9, नंबर ऑफ डिजिट्स 4। कैसे, सिंपली से माइनस करो प्लस 1 करो, नंबर ऑफ डिजिट्स 4 हो। अब बात करेंगे टेंथ डिजिट की, तो 10 10 to 99। अब नंबर्स कितने इसके बीच में, ऐसा तो है नहीं हम काउंट करने बैठेंगे 10 11 12 13 से 99, नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं है। नंबर ऑफ डिजिट्स भी काउंट करना, नंबर ऑफ सिंपली इसमें से माइनस करेंगे कितने हो जाएगा 89, प्लस 1 कर देंगे तो 90। मतलब इसके बीच में 90 नंबर है वो प्रेजेंट है, और 10th डिजिट के लिए हमने बताया था मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे जो कि हो जाएगा 180 प्लस 4 कितना हो जाएगा हमारे पास 184, इसके अंदर डिजिट्स है वो प्रेजेंट है। अब ना ये आपको इतना इजीली समझ में आ गया होगा, अब कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में आ रहा होगा मैम ये तो समझ में आ गया बट ये तो कितना ईजी है, ऐसे क्वेश्चन थोड़ा ना हमारे पास सीजीएल में आएंगे, नहीं CHSL में, CPO में, या फिर उसमें MTS हो गया, या कोई भी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, ऐसे ना क्वेश्चन आएंगे, बट नहीं ऐसा नहीं है। मैं आपको इसी के, ये तो कुछ भी नहीं, मैंने तो मतलब ये सिक्स दे दिया, बल्कि आपको इससे भी इजी क्वेश्चन मैं आपको दिखाती हूँ कि CGL में प्री और प्री के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, और रिसेंटली 2021 के अंदर, ऐसा भी नहीं कि मैं आपको 90s की बात कर रही हूँ, नहीं। अब देखो मैं क्वेश्चन सोल्व कर, मतलब क्वेश्चन बताती हूँ कि क्या क्वेश्चन आया था, ये देखिए क्वेश्चन था फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन 2-digit नंबर। अब कहोगे मैम ये तो क्या करवा रही हो, आपने तो बताया नहीं 2-digit नंबर, बट मैंने आपको बताया ना 2-digit नंबर मतलब वो टेंस वाले, तो फिर इसको कैसे करेंगे, सिंपली 2-digit नंबर की बात कर रहा है, क्वेश्चन को पकड़ने से मतलब है उसके अंदर क्या लैंग्वेज, 2-digit नंबर क्या होता है हमारे पास 10 11 12 13 से लेके कब कहां तक 100, नहीं 100 3-digit हो जाएगा ना 99। इसको क्या लिख सकते हैं हम, कि मतलब हमें बताना है 10 to 99 के बीच में नंबर ऑफ डिजिट्स। अरे मैम ये तो पहले भी सॉल्व कर चुके, हाँ तो देखो अब 10 to 99 नंबर्स कितने हो गए इनके बीच में, फॉर्मूला बताया था ना मैं नंबर मल्टीप्लाई बाई 2, तो नंबर्स के बीच में कितने हैं, तो मल्टी इसको माइनस करेंगे ये होगा 89 प्लस 1, मतलब मैम 90 है ना वो नंबर प्रेजेंट है 10 से लेके 99 के बीच में, मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे मतलब 180 डिजिट्स आर प्रेजेंट इन 2-digit numbers। अब 21 के अंदर ये क्वेश्चन आया था, अब क्या अगर उनको थोड़ा लेवल करना होगा या फिर इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई करना होगा तो आपसे क्या क्वेश्चन पूछ लेगा आपकी बार, कि फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट इन 1-digit नंबर, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट इन 100 या 3-digit, मतलब वो बोल देगा कि फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट इन 3-digit नंबर। अब मैम तो आप कहोगे मैम आपने 2-digit का नंबर बताया था, पर मैंने आपको बता दिया ना हर एक चीज की, वंस होगा तो मल्टीप्लाई बाई 2, अगर 2-digit नंबर होगा तो मल्टीप्लाई बाई 2, और 3-digit होगा तो मल्टीप्लाई बाई 3। तो ये तो बिल्कुल 2-digit का बेसिक हो गया, हम 3-digit की भी बात करते हैं। मतलब मैं आपको हर एक क्वेश्चन, हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको दे रही हूँ जो एक्सपेक्टेड है, मतलब ये क्वेश्चन है कि जो एग्जाम में आ सकता है अब की बार, कि फाइंड द नंबर ऑफ
डिजिट्स इन थ्री डिजिट्स नंबर, नंबर ऑफ डिजिट फाइंड आउट करने हैं हमें थ्री डिजिट के नंबर में, तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या लैंग्वेज यूज किया, थ्री डिजिट नंबर। तो थ्री डिजिट नंबर कहां से होते हैं हमारे, स्टार्टिंग 100, 101, 102, 103 से लेके 999। इससे आगे तो नहीं होते ना, इससे आगे तो 1000, फिर तो 1000 हो गए, जो कि फोर डिजिट नंबर है, तो यही होते हैं। तो सिंपली हम इसको लिख सकते हैं 100 टू 999, इसके बीच में नंबर ऑफ डिजिट हमें फाइंड आउट करना है। तो अब ये बात होगी आपकी बार थ्री डिजिट की, याद है ना मैंने आपको ये देखो बताया था यहाँ पर कहाँ गया, कि अगर हंड्रेड्स मतलब कि यहाँ पे आप सिंपली ना वो लिख लीजिए, मैंने आपको चीज इसको ना सिंपली आप लिख दो वन, ये डिजिट की बात होगी, अगर वन डिजिट नंबर हो, ये हो गया टू डिजिट नंबर, मतलब ठीक तो वो भी है पर ये और इजी लैंग्वेज हो जाएगी आपके लिए। अगर थ्री डिजिट नंबर, तो आपके पास थ्री डिजिट नंबर है तो मल्टीप्लाई बाई थ्री से करेंगे। सो कहाँ गया हमारा क्वेश्चन, ये रहा। तो सिंपली 100, 2, 9, 9, 9 नंबर, इनके बीच में कितने नंबर है पहले वो लिखेंगे, तो सिंपली मैंने आपको बता रखा है माइनस कर दो 9, 9 और 8, प्लस वन कर दो, प्लस वन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ये हो जाएगा 900। तो 900 मतलब 900 मल्टीप्लाई बाई 3 मतलब 2700, 2700 डिजिट इसके अंदर प्रेजेंट है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, मेरे अकॉर्डिंग इतने बेसिक से कहीं भी प्रोवाइड नहीं होता है, मतलब हमने आपको बिल्कुल 1-10 डिजिट से लेके और यहाँ तक करवा दिया। और इसके साथ में ना आपको क्वेश्चन भी देना चाहती हूँ, भाई क्वेश्चन तो करना पड़ेगा, आप इतनी मेहनत हम कर रहे हैं तो आपको तो क्वेश्चन करना पड़ेगा। सो आपके लिए एक इजी सा क्वेश्चन, चलो तो पहले मैं आपको क्वेश्चन करवा दूं फिर आप कर लेना, ठीक है, मैंने आपको एक मिक्स क्वेश्चन करवाते फिर मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगी। अपना 5255 नंबर ऑफ डिजिट, अब आया ना मतलब इस क्वेश्चन में असली मजा, कि मैम ये कैसा क्वेश्चन है 5555, इसमें तो वन डिजिट भी है, इसमें तो टू डिजिट भी आएंगे, इसमें थ्री, हाँ पर कुछ नहीं करना, सेपरेटली सोल्व करना है और प्लस कर देना। अब देखो सबसे पहले हम बात करेंगे वन डिजिट नंबर जो कि है 5, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, 5 2 5 2 9 नंबर ऑफ डिजिट्स। देन बात करेंगे 10 to 99 नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे, 90 90। आप इतना तो बेसिक आ गया हो, इसमें माइनस करेंगे 89, प्लस 1 करेंगे 90, मल्टीप्लाई बाई 2 मतलब 180। अब बारी आएगी थ्री डिजिट नंबर की जो कि 99 के बाद आएगा 100, 100 to 5 5 5। अब नंबर ऑफ डिजिट तो ऐसे नंबर ऑफ इनके बीच में नंबर्स तो फाइंड आउट करेंगे नहीं ऐसे गिन के, तो सिंपली माइनस कर देंगे इसमें से, तो करेंगे तो 5 5 5 में से 4, प्लस 1 कर देंगे तो ये 4 5 6, तो 4 5 6 मल्टीप्लाई बाई 3, मल्टीप्लाई करेंगे सिंपली इसको और इसको, तीनों हो गया कर लेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, मैंने पूरी मेहनत की आपको ये बिल्कुल बेसिक सा पार्ट समझाने के लिए, और आपके लिए वो क्वेश्चन मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। नंबर ऑफ, वैसे तो मैंने आपसे हर एक क्वेश्चन लगभग करवा ही दिया, इसके अलावा तो क्या ही क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में कि वन डिजिट टू डिजिट थ्री, इससे ऊपर वो जाएगा नहीं, अगर जाएगा तो मल्टीप्लाई बाई 4 कर लेंगे अगर जा, पर मैं आपको दूंगी वैसे ये वाला नंबर ऑफ 4 डिजिट के लिए, आपको फाइंड करना है 5 नहीं, अब की बार 4 लेंगे, 4 2 1 0 1 8। मैं आपको थोड़ी सी हिंट मतलब दे देती हूँ, सिंपली 4 2 9 आपको करना है वन डिजिट, फिर 10 to 99 करना है, फिर 100 to आपको जाना है 100 to 999, ये हो गए थ्री डिजिट। अब आपको जाना है 1000 to सिंपली 18, इसके बीच में कितने नंबर 19 नंबर्स हो जाएंगे, मल्टीप्लाई बाई 4 करना है और सारों को सम कर देना है। आई होप आपको ये, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, और मेरे को आंसर चाहिए हर एक क्वेश्चन के, मतलब आप मेहनत करो, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर मुझे चाहिए। आई होप आपको ये बिल्कुल बेसिक सा पार्ट है वो समझ में आ गया होगा। और मैं आपको ना एक छोटी चीज और बता देती हूँ इसी में एड ऑन करके, क्योंकि इंपॉर्टेंट है वो चीज भी।
या फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता देती हूँ, क्योंकि डिविजिबिलिटी का पार्ट है थोड़ा सा। तो आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आ गई होगी, क्योंकि और मैंने ऐसा और मैंने आपको प्रीवियस ईयर में इसका क्वेश्चन बता दिया है, ये वाला है ना, ये वाला क्वेश्चन आया है सीजीएल प्री में, मतलब सीजीएल के प्री में आया है 2021 2021 अभी पिछले साल में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो आई होप आपने आपको ये सब चीजें समझ में आ गई होगी। हमने बिल्कुल बेसिक से नंबर सिस्टम से शुरुआत की थी, डिजिट के बारे में हमने जाना, और हाँ इसके प्रॉपर नोट्स है वो बना लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आई होप आपको सब चीज समझ में आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस, और आप यहाँ तक हमारे साथ बने रहे अगर आपके, और अगर आपको सब चीज अच्छी लगी हो तो कमेंट लाइक मतलब कमेंट करके हमें बताना और लाइक कर देना। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू वेरी मच फ्रॉम द टीम ऑफ पुलिस वाला, थैंक्स।